प्रदेश में मिशन शक्ति कार्यक्रम चलने से लिंगानुपात बाल विवाह में सुधार हुआ है। NFHS 5 के आंकड़ों के मुताबिक मुरादाबाद मंडल राष्ट्रीय और प्रदेश के लिंगानुपात से बेहतर है। इसके अलावा मुरादाबाद मंडल में कन्या सुमंगला योजना के तहत 7,422 लाभार्थी, निराश्रित महिला पेंशन योजना में 11,861 विधवा और मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत 3,034 लोगों के आवेदन स्वीकृत किए गए हैं। ये बातें महिला एवं बाल विकास विभाग के उपनिदेशक राजेश चंद्र गुप्ता ने बुधवार को सेंटर फॉर एडवोकेसी एंड रिसर्च के सहयोग से आयोजित मिशन शक्ति कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि कही। एक स्थानीय होटल में हुई इस कार्यशाला में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में लगभग 59,216 पात्र बालिकाओं को लाभान्वित किया जा चुका है। मिशन शक्ति एक सामूहिक प्रोग्राम है। इसका उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है। विभाग का मिशन महिलाओं और बच्चों से जुड़े विषयों पर प्रभावी नीतियों का निर्माण करना है। उपनिदेशक ने कहा कि महिलाओं व बच्चों के सामाजिक व आर्थिक सशक्तिकरण का पूर्ण विकास और उनके अधिकारों का संरक्षण करते हुए उन्हें संस्थागत और गैर संस्थागत समर्थन प्रदान करना है। उन्होंने बताया कि स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से मुरादाबाद में एक शेल्टर होम संचालित है, जबकि बच्चों की सुरक्षा के लिए चाइल्डलाइन संचालित है। इसके अलावा मंडल के 5 जनपदों में वन स्टॉप सेंटर व 181 महिला हेल्पलाइन संचालित की जा रही है। लखनऊ से आए महिला एवं बाल विकास विभाग के राज्य सलाहकार नीरज मिश्रा ने कहा कि इस कार्यशाला का उद्देश्य विभाग की विभिन्न योजनाओं को मीडिया के माध्यम से जन जन तक पहुंचाना है, जिससे लोग उनका लाभ ले सके। उन्होंने आगामी कार्य योजना के बारे में भी बताया कि विभाग की ओर से ऑपरेशन मुक्ति का आयोजन किया जाएगा, साथ ही बाल विवाह और बाल श्रम के खिलाफ सप्ताह का वृहद अभियान चलाया जाएगा। इसके अलावा मेगा इवेंट हब के बाद जिलाधिकारी के साथ प्रधान सम्मेलन तथा अनंता का आयोजन किया जाएगा। जिला प्रोबेशन अधिकारी प्रिया पटेल ने बताया कि कोविड के दौरान अपने एक या दोनों अभिभावक खो देने वाले बच्चों के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना चलाई जा रही है, जिसमें उन्हें 4,000 रुपए प्रतिमाह की सहायता प्रदान की जाती है। उन्होंने बताया कि मंडल में ऐसे 469 बच्चों को अब तक लाभान्वित किया गया है। अन्य बच्चों को 2022-23 में लाभान्वित किया जाएगा। उन्होंने मिशन शक्ति के मंच से संदेश दिया कि समाज के सभी लोगों को अपनी सोच में बदलाव लाने की जरूरत है। इससे महिलाओं की स्थिति में सुधार आएगा। सोच में बदलाव से ही लिंगानुपात में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। यहाँ पे मिशन शक्ति 4 से मंडल स्तरीय कार्यशाला है, जो कि हमारे मंडल स्तरीय सर डिप्टी डायरेक्टर सर के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई है। इसमें मेनली मीडिया पर्सन के साथ में हमें बैठ के डिस्कशन करना था, जो कि हमारे मिशन शक्ति 4 की जो कार्य योजना है और जो हमारी सरकार का उद्देश्य है वो जन जन तक पहुँचाना ही हमारा प्रमुख लक्ष्य है आप लोगों के जरिए। कार्य कभी हमारी चाह तो कभी कम होती नहीं है। आप चाहें किसी भी क्षेत्र में देखिए, अगर हम किसी एक जगह पे हम पहुंच गए हैं तो आगे भी हम उसे बेहतर करना चाहेंगे। तो सारे कार्य जो भी हमारे महिला कल्याण विभाग की जो भी योजनाएं हैं वो हमारे लगातार चल रही हैं और उनमें हम और भी ज़्यादा बेहतर कार्य, बेहतर प्रदर्शन करना चाह रहे हैं। तो सभी का सम्मिलित रूप है मिशन शक्ति। कार्यशाला में पत्रकारों ने सभी से सवाल पूछे, जिसका अधिकारियों ने जवाब दिया। कार्यशाला में शिक्षा विभाग से संयुक्त निदेशक श्याम कुमार, मंडल डिवीजन कोऑर्डिनेटर विवेक कुमार शर्मा, बिजनौर DPO संजय कुमार यादव, DPO रामपुर लवकुश भार्गव, वन स्टॉप सेंटर काउंसलर आरती त्रिवेदी सहित जनपद के अन्य लोग मौजूद रहे। इससे पहले CIFAR के राज्य प्रतिनिधि फिरोज हैदर ने CIFAR की ओर से किए गए कार्यों के बारे में जानकारी दी। कार्यशाला में CIFAR असिस्टेंट डिवीजन कोऑर्डिनेटर प्रिया शर्मा, नॉर्थ रीजनल कोऑर्डिनेटर रूबी बानो, मोहम्मद नाजिम और पुष्पेंद्र मौजूद रहे। ये हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने जो महिलाओं के लिए मिशन शक्ति का प्रारंभ किया है, इसे मुख्य रूप से महिलाओं के प्रति सुरक्षा, उनका सम्मान और स्वावलंबन की दिशा में हम लोग जो भी प्रयास कर रहे हैं, हमारे जो विभागीय योजनाएं हैं, हमारे जो साथी विभाग हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस विभाग या अन्य हमारे जो स्टेक होल्डर डिपार्टमेंट्स हैं, तो हम महिलाओं और बच्चों के लिए जो भी कार्य करते हैं उनको मीडिया के माध्यम से हम अपनी कार्य योजना को कैसे जन जागरूकता तक फैला पाएँ, उनको समाज के सामने ला पाएँ और अपनी कार्य योजना का एक हिस्सा बना करके कैसे एक सम्मिलित प्रयास कर पाएँ, यही हमारा उद्देश्य था। कहाँ कमियाँ अभी तक दिखी हैं, कहाँ सुधार? जैसा कि आज एक ओपन सेशन था, आपके साथ डिस्कशन हुआ है और उसमें ये बात उभर कर आई कि हमें जो गिरता हुआ लिंगानुपात है उसको और बेहतर करने की आवश्यकता है। हम निश्चित रूप से इसमें एक कार्ययोजना बनाएंगे मिल बैठ करके और जो भी बेहतर डिस्कशन हो सकता है और इस फील्ड में हम ज़्यादा अच्छा प्रयास कर सकते हैं वो अपना 100% देंगे और लिंगानुपात को सुधारने के लिए अच्छा प्रयास करेंगे।